अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खरीद से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। दुआएं आपकी। और आज का वीडियो हमारा टोयोटा कैमरी का, जिसका जो पेंट है वो काफ़ी फेड भी हो गया हुआ है, इसमें जंग भी है। तो वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी से आप लोग निकालते हैं और इसका जो काम है वो स्टार्ट करते हैं। इसको फुल बॉडी जो हम लोग रीपेंट करने वाले हैं, क्योंकि इसका जो पेंट है वो काफ़ी डैमेज हो गया हुआ है दुबई की धूप से भी, और इसको जंग ने भी खाया है, रस्ट भी है इसके ऊपर। कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप तैयार करेंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, एंजॉय कीजिए वीडियो। और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए। गाड़ी की अगर बात करते हैं तो गाड़ी कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसका जो बम्पर है, बैक बम्पर, वो टोटल क्रैकड है, ये पूरा पेंट इसका जो फट गया हुआ है। और ऑल्सो इसका जो स्पॉइलर है, डिग्गी है, ये टोटल फेड हो गया है, जो दुबई की धूप है इससे जल गया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, इसमें शाइनिंग वगैरह खत्म हो गया हुआ है। और यहाँ पे रस्ट भी है, जंग है, इसने उसको खा लिया हुआ है। और यहाँ पे है जो दुबई का सूरज, जो गाड़ी का पेंट जला देता है नॉर्मली धूप से, और इसका जो पेंट है काफ़ी फेडेड हुआ पड़ा है, धूप से जल गया हुआ है। और काफ़ी बॉडी में जो चीप्स है, डेंट है, और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं टिक टिक लगा हुआ है। और ये वाला जो डोर है इसके अंदर डेंट है बड़ा वाला, और नीचे ऑल्सो रस्ट भी है इसके डोर में। तो टोटल रिपेयर किया जाएगा और रिपेयरिंग के बाद वापस रीपेंट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर तो होल भी है, तो ये काफ़ी रस्ट है इसके अंदर, ये टोटल हम लोग रिमूव करेंगे, रिपेयर करेंगे, और उसके बाद कैसे इसको हम लोग तैयार करेंगे स्टेप बाय स्टेप, आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, एंजॉय कीजिए वीडियो। और बाकी गाड़ी काफ़ी हालत बेहतर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल पेंट इसका निकला हुआ है, क्रैक हुआ हुआ है, ये टोटल बम्पर के किनारे किनारे में, और यहाँ पर फेंडर का कोना है, इस तरह से काफ़ी फुल पेंट इसका ख़राब है, डैमेज है। तो यहाँ पर देखें, और ऑल्सो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, तो फुल बॉडी इसका रीपेंट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसा होगा, कैसे तैयार करेंगे इसको। और किसी भाई को किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी ले सकते हैं, और अगर आप लोग यूएई में हैं, दुबई में, जो लोग, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस कराने के लिए। दोस्तों फाइनली टोयोटा कैमरी का हम लोगों ने प्राइमर लगाना स्टार्ट कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से, काफ़ी मेहनत हुआ। अभी तो खैर ब्लोर चल रहा है, उसकी वजह से आवाज़ शायद मेरा कमती आ रहा होगा बीच में। और ये देखिए इस तरह से काफ़ी मेहनत हुआ, हार्ड वर्क था। और ये भाई आए हैं नए फ्रेश फ्रॉम लाहौर से आए हैं, तो अभी ये यहाँ से थोड़ी ट्रेनिंग लेंगे और उसके बाद आगे इसको दूसरी जगह में जॉब पर लगवा देंगे इंशाल्लाह। तो देखें इस तरह से काफ़ी मेहनत किया लड़के ने, इस तरह से प्राइमर लगाया जा रहा है गाड़ी को। और टोटल आप देख सकते हैं किधर किधर हम लोगों ने बॉडी फिलर का काम किया, उसके ऊपर हम लोग अभी प्राइमर लगा रहे हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह इसको वापस इसका जो पेंट है वो किया जाएगा, तो गाड़ी एकदम नया बनने वाला है। मज़ीद आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, इंजॉय कीजिए वीडियो। ये प्राइमर का काम ख़त्म होगा और उसके बाद इसका फिर से सैंडिंग किया जाएगा, और उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी एकदम नया बनने वाला है। तो थोड़ा इंतज़ार और बाकी है अभी। तो जी दोस्तों फाइनली गाड़ी हमारा रेडी हो चुका है, टोयोटा कैमरी, काफ़ी मेहनत हुआ है इसके ऊपर, और अब इसका जो हालत है वो कुछ इस तरह से हमें नज़र आने वाला है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका पैकिंग वर्क एवरीथिंग ये ओके हो गया है, और अब जस्ट इसका पेंट बाकी है, जल्दी जल्दी से इसको पेंट लगाते हैं और उसके बाद गाड़ी हमारा होने वाला है नया। तो मज़ीद आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक, इन्जॉय कीजिए वीडियो, और देखते हैं जब इसको पेंट लगेगा तो कैसा होगा, इसका जो लुक है वो कैसा आएगा। इसके अंदर ये जो किनारा है, इसके अंदर हमारा काफ़ी मेहनत हुआ, और मेहनत के बाद जो लुक है, रिजल्ट है, आप लोगों के सामने है। मज़ीद अभी जस्ट इसका पेंट बाकी है, जल्दी जल्दी से इसको पेंट लगाया जाएगा और उसके बाद गाड़ी हमारा नया होने वाला है। चलिए देर ना करते हुए जल्दी जल्दी इसको पेंट लगाते हैं। तो दोस्तों फाइनली गाड़ी हमारा रेडी हो चुका है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और उम्दा रिजल्ट है आप लोगों के सामने, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया हुआ है, जैसा कि देखें ये
ग्रीन सिल्वर पेंट है, इसके अंदर जो शेड है वो हल्का सा ग्रीन है, बहुत मस्त लग रहा है। और मुझे आप लोगों को कैसा लगा आप लोगों ने मुझे नॉर्मली कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, तो ये कलर आप लोगों को कैसा लगा। इसके ऊपर काफ़ी हमारा मेहनत हुआ क्योंकि जो इधर है ना, इधर रस्ट बहुत था, हम लोगों ने इसके अंदर पीस लगाए और पीस लगाने के बाद आप लोगों के सामने लुक देखें, ये बेहतरीन बन गया हुआ है। और इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का भी कुछ भी मेंटेनेंस होने वाला है, पेंट ख़राब है, तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग गाड़ी का टोटल मेंटेनेंस करता है। तो ये गाड़ी तो मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह वापस से रीपेंट कर दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त और कमाल का लुक आया है, देखिए इस तरह से बहुत ही बेहतरीन हो गया हुआ है। दोस्तों फाइनली गाड़ी आप लोगों ने देखा बेहतरीन और कमाल का जो लुक है वो रिजल्ट है बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन हो चुका है। आई होप आप लोगों को गाड़ी वीडियो और जो मेरा काम है वो पसंद आया होगा। और इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का कुछ भी मेंटेनेंस होने वाला है तो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर आप लोगों को नॉर्मली नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम लोग गाड़ी का टोटल मेंटेनेंस करते हैं, डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिक, इलेक्ट्रिक है, और जो हमारा गैराज है नॉर्मली यजमान सनाइया में है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। तो ये गाड़ी आप लोगों के सामने बेहतरीन और उम्दा रिजल्ट है, और अपनी राय आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में देनी है कि ये गाड़ी आप लोगों को कैसा लगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नईम भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, डू टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।